हेलो दोस्तों, आप पेटीएम का नाम सुने होंगे और मुझे उम्मीद है आप पेटीएम के बारे में जानते होंगे कि पेटीएम से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेटीएम पोस्ट प्रीपेड क्या है? तो हे गाइस, मेरा नाम है ऋतिक दुबे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं कभी भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पेटीएम पोस्ट प्रीपेड जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर में पेटीएम क्या होता है। तो दोस्तों, पेटीएम का पूरा नाम है पे मोबाइल थ्रू, जिसके तहत आप ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, रेलवे की टिकट बुकिंग, मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो उसका भी टिकट बुक, और किसी को रिचार्ज करें, किसी को पैसे ट्रांसफर करने, सारा प्रोसेस आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर में पेटीएम पोस्ट प्रीपेड क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेटीएम और आईसीआईसीआई बैंक ने दोनों ने मिलकर एक नया नियम यानी एक सेवा जारी किया है सभी ग्राहकों के लिए, जिसके तहत अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं है, बैलेंस आपका जीरो है, बैंक से तुरंत लोन ले सकते हैं, वो भी 60,000 रुपए तक का। तो दोस्तों, यह पेटीएम और आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छा कदम उठाया है ग्राहकों के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सीधे पेटीएम से 60,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूँ। हम सभी लोग ये जान चुके हैं कि पेटीएम क्या होता है और ये भी जान चुके कि पेटीएम पोस्ट प्रीपेड क्या है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि मैं बैंक से यानी कि पेटीएम से कैसे लोन ले सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जरूरत है पेटीएम वॉलेट अकाउंट का। आपके पास होगा पेटीएम का अकाउंट, तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन जब जैसे ही करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, दाएं साइड में ऊपर की तरफ पासबुक के जस्ट बगल में ही दाएं साइड में आपको दिखाई देगा पोस्ट प्रीपेड। इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आपको नीचे दिखाई देगा एक्सेप्ट का, वहां से आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो सारा प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर में आपको कैसे इसे यूज करना है। तो दोस्तों, आपको तुरंत आपके वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे, आने के बाद इसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, जो सारा पैसा आप खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट मतलब कहीं पर आप खर्चा करेंगे, तो उसका सारा बिल आपको महीने के अगले तारीख को, मानी पहली तारीख को उसका बिल आ जाएगा, और वो बिल आपको अगले 15 तारीख तक यानी 15 दिनों के अंदर आपको चुकाना है। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको इस पर ब्याज देना होगा। तो दोस्तों, यही थी सारी बातें, यही था सारा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और ये जो मैंने आपको बातें बताएंगी यह काफ़ी हद तक आपके काम आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।